हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। आज हम आपको ये विंडेयर का 2000 वाट में है इंडक्शन, तो हम आपको इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हम इसके थोड़ा फीचर्स डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कॉपर कोटेड कॉयल का इस्तेमाल किया गया है और हीटिंग प्रोटेक्शन भी है और क्वालिटी हाई क्वालिटी ग्लास भी इसमें यूज किया गया है, मल्टी फंक्शन में है। उसके बाद पुश बटन का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि टच के ऑप्शन में आपको मिलेगा। फिर इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और ओवर हीट होने पे एक प्रोटेक्शन इसमें लगाया गया है, प्रोटेक्ट करेगा ओवर हीटिंग होने पे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और एक बात कर लेते हैं, ये मल्टी मल्टी इंडक्शन है। इसमें आल बर्तन, आपको सारे बर्तन जो आपके घर में यूज होते हैं वो सब इस इंडक्शन पे आप बर्तन यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो इसके हम प्राइस की बात कर लेते हैं। ये इस पे MRP 4100 रुपये इस पे प्रिंटेड है और इसमें होम सर्विस भी प्रोवाइड किया जा रहा है विंडेयर केयर की तरफ से। तो ये 1 ईयर की इसमें गारंटी दिया जाता है और ग्लोबल क्वालिटी इसमें सर्टिफाइड है। तो देखिए, और इसमें आपको ये गिफ्ट मिलता है जो कि इसके ऊपर एक जाली लगता है, वो जाली आपको इस इंडक्शन में गिफ्ट के रूप मिलता है। इससे जाली को यूज करने पे आपके इंडक्शन कभी ख़राब नहीं होगा, एक सेफ्टी गार्ड के रूप में है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको ओपन करके आपको इसका लुक दिखाते हैं किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, हम इस बॉक्स से इंडक्शन को ओपन कर लिए हैं। ये देखिए, ये काफ़ी भारी इंडक्शन है, काफ़ी वजन इंडक्शन है। तो चलिए हम इसको इस पॉलीथीन से इसको हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जाली दी गई है काफ़ी अच्छी जाली दी गई है, प्योर स्टील की जाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऊपर से लगाने पे ये इसमें जो कांच का पैनल लगा होता है वो टूटता नहीं है अचानक से, यानी कि आप कितने भी वजन रख दें तो ये सेफ्टी गार्ड बचा लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पॉलिथीन से ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लुक इसका काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और देखिए विंडेयर का इसमें लोगो देखने को मिलेगा आपको। स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ये डिजिटल डिस्प्ले है यहाँ पे और ये एक प्लस अप और डाउन माइनस, ये तेज धीम के लिए प्रयोग किया गया है, फ्राई और पावर ऑन ऑफ। तो ये इसमें फीचर्स हैं और इसका एक केबल दिया गया है जो कि बेहद अच्छा क्वालिटी का है और ये एक हैंडल दिया गया है उठाने के लिए। तो इसमें हम बात कर लेते हैं बैक साइड के लिए, बैक साइड में। और इसका ये देखिए, इसमें जो ये पैनल में लगा है, पैनल की मोटाई काफ़ी मोटी है और वजन भी है, इंडक्शन भी काफ़ी चौड़ी है। तो चलिए, इसमें जो देखिए फ़ैन, यहाँ पे एक हीटिंग के लिए फ़ैन लगाया गया जो कि ओवर हीट होने पे प्रोटेक्ट करे। और ये हो गया इसमें मैनुअल कार्ड। तो फ्रेंड्स, ये नीचे जो बॉडी है इसका, ये मेटल का दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है, ये टूटेगा नहीं। इसका बॉडी मेटल का है, काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इस पे सारे बर्तन यूज कर पाएंगे। यहाँ से एक जाली दी गई है देखिए, जो कि हीटिंग होने पे यहाँ से हवा निकलेगा बाहर। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें यहाँ पे हाथ रखना मना है, यहाँ पे आप हाथ नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे आप इस पे हाथ ना रखें। तो नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपको कोई भी जानकारी हो तो कमेंट ज़रूर करें जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए। तो नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।